સુરત ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકેની ઓળખ ધરાવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ પણ હવે ટેક્સટાઇલ ફેશનમાં કાઠું કાઢતા હોય એટલે અમદાવાદના આઈઆઈએમમાં યોજનાર ઇવેન્ટ ફેશન શો માટે સિલેક્ટ થયા છે. સુરતના ઇન્સ્ટિટ્યૂટની 3 ટીમો સિલેક્ટ થઈ છે જે રેમ્પ વોક, એઆઈ અને ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની આધુનિકતાથી સાથે પૌરાણિકતા પણ દર્શાવશે. आई एम अंकिता गोयल, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी. और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि IDT जो सूरत से बिलोंग करता है, IDT की 3 टीम्स देश के सबसे प्रमुख बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद के कल्चरल इवेंट रेजमटास के लिए सेलेक्ट हुए हैं और 27 जनवरी को हम फिनाले के लिए वहाँ पर जा रहे हैं. टोटल काफ़ी सारी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से टोटल 8 टीम्स वहाँ पर फिनाले में सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से 3 टीम्स हमारी हैं, 2 IDT सूरत की और 1 IDT मुजफ्फरपुर की. सूरत की दूसरी कौन सी ऐसी एजुकेशन टीम है जो ऐसे पार्टिसिपेट कर चुकी है? आज तक सबसे गर्व की बात यही है कि आज तक सूरत से कोई भी टीम वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुई है और इस साल हमारी 3 टीम्स एक साथ वहाँ पर सेलेक्ट हुई हैं और हमें पूरी आशा है कि हम वहाँ पर आएंगे तो लौटकर जीत कर ही आएंगे. आपकी टीम कौन सी थीम पर परफॉर्मेंस करने वाली है? हमने 3 प्रमुख मुद्दे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए सेलेक्ट किए हैं जिसमें जो अलग अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं. एक थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निकल टेक्सटाइल जो कि सूरत की स्ट्रेंथ बनने जा रहा है उस पर हमने पूरा कलेक्शन अपना बनाया है. दूसरी थीम हमारे क्राफ्टमैन हैं, जो आर्टिजन्स हैं जिनकी जो आर्ट है क्योंकि हाथ की कला है वो लुप्त होती जा रही है तो उनको वापस से पुनर्जीवन देने के लिए हमने वो पूरा थीम का निर्माण किया है. और तीसरी थीम विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही है. एक थीम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक थीम में लगभग 10 बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 10 बच्चे वहाँ पर रैम वॉक करेंगे जिनको कंपटीशन के तौर पर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी गई है, वो उसी टाइम लिमिट पर उनका पूरा प्रेजेंटेशन वहाँ पर होगा.